मेरी मॉर्निंग रूटीन में टास्क फिक्स है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने आप को पूरे डे के लिए एनर्जाइज करें। एंड मी दैट्स गोइंग फॉर वॉक। कुछ टास्क हम अपनी डेली बेसिस पे करते हैं, जैसे कि बेड अरेंज करना, फ्लोर मोप करना, बर्तन वॉश करना। लेकिन कुछ टास्क हम वीकली बेसिस पे करते हैं, जैसे कि बेडिंग चेंज करना। तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर रूटीन फॉलो कर सकते हैं। इस तरीके से ना तो आपके लिए काम का बर्डन होगा और ना ही डेली का कोई वर्कलोड होगा आपके ऊपर, और ना ही कोई टास्क स्किप होगा। एंड मी आई मस्ट आल्सो मेंशन कि मैं डेली के घर के जो चोर्स होते हैं मैं अकेले नहीं करती, उसके लिए मेरे पास एक हेल्पर है। और बाकी जैसे बैकयार्ड को देखना, प्लांट्स रीअरेंज वगैरह करना, ये सब मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले घर के काम स्टार्ट होते हैं जी बेड बनाने से, क्योंकि हमारे बेडरूम की जो खूबसूरती होती है ना, वो बेड से होती है। उठते साथ ही अपने बेड को सेट करना होता है। ये एक सिंपल सी बात है और सभी करते भी होंगे, बट क्या होता है ना, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो सुबह सुबह इतनी भागम दौड़ी होती है कि उस वक्त आप बेड बना ही नहीं सकते। जब बच्चे चले जाते हैं और हस्बैंड चले जाते हैं तो उसके बाद आप एक एक करके अपने काम को स्टार्ट करते हैं। बेड आपके पास कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो और घर भी कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, मगर बेड की चादरें बिखरी हुई हों और चीजें इधर उधर फैली हुई हों तो रूम अच्छा नहीं लगता। तो मैं भी बस सुबह का टाइम है और यही कह रही हूँ कि पहले मैंने बेड को वीकली इस बेसिस पे, मेरी कोशिश होती है कि मैं बेड की जो बेडशीट है वो चेंज कर लूँ। तो आज मैंने वही किया और साथ ही जो चीज़ें मेरी रूम में इधर उधर बिखरी हुई थी उनको साथ साथ सेट कर लूँगी। डेली के जस्ट 5 to 10 मिनट एक रूम को देने से जो रूम की लुक होती है ना, वो बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। इट्स मीन कि ये तो एक मतलब मेन काम है कि आप उठते ही साथ में थोड़ी बहुत ऊपर से चीज़ें समेट लें और घर को सेट कर लेना, तो घर को 4 चांद लग जाते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे फिशेस है और साथ में मुझे इसको फीड भी देनी थी। हर चीज़ को साथ साथ प्रॉपर तरीके से अरेंज करके रखने से ही घर खूबसूरत लगते हैं। और कोई भी आपके घर में आता है तो यकीन जाने उससे औरत की ही एक निशानी होती है कि वो औरत किस तरीके की है, मतलब वो घर को किस तरह रखती है। जाहिर सी बात है, बच्चे होते हैं, घर में आना जाना होता है, चीज़ें तो आप जिस जगह पर रखोगे उस जगह पर मिलेंगी नहीं। लेकिन अगर आप साथ साथ हर चीज़ को दोबारा से उस जगह पर रख देंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी और इस तरीके से आपका घर पूरे तरीके से ऑर्गेनाइज भी लगेगा और खूबसूरत भी। तो मुझे मुश्किल से 10 मिनट लगे होंगे पूरे रूम को सेट करने में, मतलब हर चीज़ को दोबारा से प्रॉपर जगह पे रखने से। और ये चेक करें, बिल्कुल नीट एंड क्लीन लुक होगी है पूरे रूम की। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ही बहुत ही ज़बरदस्त सी अपनी रूटीन्स शेयर करती रहती हूँ। तो चलें जी, आज जो है लंच में बन रही है बिरयानी और इसकी जो मुकम्मल वीडियो है वो मैं शूट नहीं कर सकी। तो बस इतना ही था, जब बनाने लगी तो मुझे याद आया कि मैंने इसकी तो वीडियो शूट ही नहीं की।